वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम स्टार इफेक्ट कैसे ड्रॉ करें, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे पेज के ऊपर। प्रकार से ड्रॉ करने के बाद अब इसको कलर करेंगे हम। कलर करने के लिए यहाँ से लेंगे हम इंटरेक्टिव फील टूल और इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाले कलर को हम कर देते हैं ब्लैक कलर और इसको कर देते हैं हम डार्क ब्लू। यहाँ पे डबल क्लिक करके मोर कलर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे एडिट कलर ब्लू का जो डार्क वाला पॉइंट है उसको ओके कर देते हैं। प्रकार से फील कर देंगे इसके ऊपर। इस प्रकार से फील करने के बाद ब्लैक की जो मेजरमेंट अमाउंट है इसको बढ़ा देंगे हम ऐसे। प्रकार से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसकी जो आउटलाइन इसको हटा देंगे हम। प्रकार से आउटलाइन हटाने के बाद यहाँ से जाएंगे शेप्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर देंगे हम। स्टार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम 4। प्रकार से 4 टाइप कर देंगे और इस प्रकार से शेप बना लेंगे। इसको कर देंगे व्हाइट कलर, इसकी आउटलाइन को भी ना हटा देंगे। आउटलाइन हटाने के बाद इस शेप को हम इस यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ से लिखते हैं हम शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को थोड़ा सा सेंटर की ओर हम इस प्रकार से मूव करेंगे। इस प्रकार से मूव कर लेंगे शेप को। सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे। प्रकार से रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद शिफ्ट के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में यहाँ पे हम इसको ब्लर कर देंगे। यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पे गॉसियन ब्लर आ जाएगा ऑप्शन। क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको हल्का सा ब्लर कर देंगे इस प्रकार से। शेप कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अब इसके ऊपर लेंगे एक सर्कल। कंट्रोल के साथ सर्कल को ड्रॉ करेंगे और इसको व्हाइट कलर कर देंगे। व्हाइट कलर करके इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। देन इफेक्ट में ब्लर करके गॉसियन ब्लर से इसको प्रकार से ब्लर कर देंगे और ओके कर देंगे। देन इसकी जो साइज इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम इस प्रकार से। इस प्रकार से साइज को बढ़ा देंगे और हल्का सा ब्लर के अमाउंट को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। प्रकार से कट करने के बाद पूरे शेप को हमें सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद कंट्रोल के साथ एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कॉपी पेस्ट करके। हल्का सा छोटा कर लेते हैं। प्रकार से ड्रॉ करने के बाद इस सारे शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इनको सब यहाँ पे सेट कर लेंगे हम। प्रकार से सेट कर लेंगे। देन प्रकार से शेप के अंदर अंदर हम स्टार ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये लीजिए दोस्तों, कोरल ड्रॉ के अंदर हमारी इस प्रकार की स्टार साइनिंग डिजाइन रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। We'll be right back.